हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है गन एंड गेमिंग यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा 2021 की सबसे बेस्ट सेंसिटिविटी। ये मैटर नहीं करता कि आपका डिवाइस हाई डिवाइस है या लो रैम डिवाइस है, आज मैं दोनों डिवाइसेस की सेंसिटिविटी एक साथ बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चाहते हो फ्री फायर में फास्ट मूवमेंट करना, वन टैप हेडशॉट मारना, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करना। तो फिलहाल फ्रेंड्स, छोटे से इंट्रो को ख़त्म करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो को एंड तक आप जरूर वॉच करना। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और आपको लगे कि इस चैनल से अपने को कुछ सीखने को मिल रहा है तो यार लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं हाई डिवाइस की, यानी कि अगर आपके पास 6GB है या उसके ऊपर है, 6GB 8GB रैम वाला डिवाइस है, तो फ्रेंड्स आपकी डिवाइस की जनरल सेंसिटिविटी क्या होगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास हाई डिवाइसेज है तो आपको अपनी जनरल सेंसिटिविटी 80-90 के बीच में रखनी होगी। जैसे मैंने अभी अपनी सेंसिटिविटी अप्रॉक्स रख लिया 87, ओके। तो अगर आपके पास हाई डिवाइसेज है तो आप अपनी जनरल सेंसिटिविटी 80-90 के बीच में रख सकते हो, क्योंकि हाई डिवाइसेज की सेंसिटिविटी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होती है। और अब हम बात करते हैं लो एंड डिवाइसेस की, यानी कि 2GB रैम, 3GB रैम और 4GB रैम। फ्रेंड्स, अगर आपके पास 2GB, 3GB, 4GB रैम है तो यार आप अपने जनरल सेंसिटिविटी को 90-100 के बीच में रख सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स लो सेंसिटिविटी में, सॉरी यार, लो रैम में होता क्या है यार कि इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी कम होती है, जिस वजह से आपको अपनी जनरल सेंसिटिविटी हमेशा मैक्सिमम यार फुल कर ही खेलने बेटर होता है। बात करते हैं हाई डिवाइसेस की रेड डॉट। फ्रेंड्स, अगर आपके पास हाई डिवाइसेस है तो आप अपनी रेड डॉट जो है वो अप्रॉक्स 60-70 के बीच में रख सकते हो। जैसे कि अभी मैंने 67 पे रख लिया। अगर आपके पास लो डिवाइसेस है तो आप अपने रेड डॉट को 70-80 के बीच में रख सकते हो, यानी कि अगर आपके पास लो डिवाइस है तो आप नॉर्मली उसको 70-80 के बीच में कहीं पर भी रख सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 2x स्कोप और 4x स्कोप की। फ्रेंड्स, अगर आपके पास हाई डिवाइस है तो आपकी जो जनरल सेंसिटिविटी है वही आपकी 2x और 4x की भी सेंसिटिविटी होगी। और अगर आपके पास लो डिवाइस है तो आपकी जो जनरल सेंसिटिविटी है वही 2x और 4x स्कोप की भी होगी। तो आप अपने जनरल सेंसिटिविटी से अपनी 2x और 4x स्कोप को सेट कर लो। बात करते हैं स्नाइपर स्कोप की। अगर आपके पास हाई डिवाइस है तो आप अपने स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी 20-30 के बीच में रख सकते हो। जैसे अभी मैंने 27 पर रख दी है। अगर आपके पास लो डिवाइस है तो आप इसको 40-50 के बीच में रख सकते हो। बात करते हैं लास्ट में हमारा जो आता है फ्री लुक। फ्रेंड, अगर आपके पास हाई डिवाइस है तो आप अपने फ्री लुक को 50% कर सकते हो। मतलब जैसे अभी मैंने, देखो ये अप्रॉक्स मैंने 50% इसका कर दिया, ओके। और फ्रेंड, अगर आपके पास लो डिवाइस है तो आप अपने फ्री लुक को 60-70 के बीच में रख सकते हो। जैसे कि मैंने 65 रख दिया। अगर आपके पास लो डिवाइस है तो, हाई डिवाइस है तो हमेशा याद रखना फ्री लुक आपका 50% ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने बेस्ट सेंसिटिविटी फाइंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने डिवाइस के हिसाब से अपनी सेंसिटिविटी खुद से फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास हाई डिवाइस है तो मैंने उसकी सेंसिटिविटी बताई है, लो डिवाइस है तो उसकी भी सेंसिटिविटी मैंने बता दी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यार, आपको लगता है कि यार इस चैनल पे कुछ अपने को सीखने को मिला तो यार प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो यार आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो फिलहाल फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और तब तक आप वीडियो को एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।